रीइश्यू एट डिस्काउंट। पहले ख्याल रखना कि ए कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। एक कंपनी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती एट डिस्काउंट। लेकिन अगर इसने फोर फीट किया और उन फोर फीट शेयर्स को इसने फिर से बेचा तो वो डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। समझ आया? ओके, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीटेड अकाउंट। कहने का मतलब है अगर मैंने शेयर्स पे फोर फीट किया, जब्त पैसा किया, लेट इट बी 8,000 रुपए, कितना जब्त किया, मैक्सिमम डिस्काउंट में दे सकता हूं नए शेयर्स पे 8,000। पॉइंट समझ आए? मैक्सिमम डिस्काउंट में दे सकता हूं नए शेयर्स पे। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे, जब्त किया 8,000 मैंने, ठीक है, तो क्योंकि वो डिस्काउंट इज लॉस, वो लॉस हम रिकवर करेंगे फोर फीट से। कहां से? फिर से समझना, अगर मैंने जब्त किया ना 8,000, ज्यादा डिस्काउंट में कितना दे सकता हूं, 8,000, इससे ज्यादा। समझ आया? ओके, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल, जो हम ट्रांसफर करेंगे ना कैपिटल रिजर्व को, तीसरी एंट्री होती है ना शेयर फोर फीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल 8,000 मैंने जब्त किया, नए को दे दिया मैंने डिस्काउंट 2,000, ये प्रॉफिट है, हमारे लिए गेन है, ये नुकसान है, तो नफा कितना आया 6,000, वो 6,000 हम ट्रांसफर करेंगे किसे, कैपिटल रिजर्व को। किसे? द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल शेयर फोर फीटेड अकाउंट माइनस डिस्काउंट। ये आप लिख के रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा फिर। हो गया एक पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो जर्नल एंट्री होती है ना, मैं दूंगा अभी, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोर फीट, ये हमने अभी कॉन्स्टेंट रखा, ठीक है ना, ठीक है। पहली जर्नल एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोर फीट, वही है ना। दूसरी एंट्री, जब हम शेयर्स बेचेंगे, अब हम बेचते हैं डिस्काउंट पे, किस पे बेचते हैं, देखो हमारी एंट्री थी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब जो हम डिस्काउंट देंगे ना बेटा जी, क्या देंगे, डिस्काउंट, वो होता है ना डेबिट, डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट। उसके बजाय हमें लिखना है बेटा शेयर फोर फीटेड अकाउंट, क्या लिखना है, शेयर फोर फीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल। और तीसरी एंट्री अपनी ही शेयर फोर फीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मगर पॉइंट याद रखना, अगर आपने जब्त किया यहां पे 100 रुपए और डिस्काउंट दिया 20 रुपए, जब्त क्या किया आपने और डिस्काउंट कितना दिया, तो कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करेंगे 80, दिस माइनस दिस, बस हो गया आपका ये टॉपिक ही। इज इट क्लियर? जरा बताओ बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोर फीट अकाउंट, बताओ। दूसरी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तीसरी तो पता ही है शेयर फोर फीट अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व। यहां पे थोड़ी बहुत चेंज आई, इज इट क्लियर, समझ आया? अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन है, पहले समझना है, अ कंपनी फोर फीटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 2, सिंपल। कि फेस वैल्यू हमारा क्या है बेटा, 10 है, 10 रुपए है हमारा फेस वैल्यू, इसने कितना नहीं दिया बेटा, 2 रुपए, सो दिया कितना होगा, 8 रुपए, तो ये बनेगा फोर फीट और ये बनेगा, इज इट क्लियर, यहां तक ठीक। जरा पहले बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, वेरी गुड, इतना अच्छा पढ़ते हो आप, अब नहीं बताऊंगा फिर नजर लगती है आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोर फीटेड अकाउंट। देखिए 100 शेयर्स है, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू और कॉल्ड अप अमाउंट, 100 इंटू 10
1000 रुपए। टफ लगा, मैं यहां पे लिखता हूं 100 × 10। कॉल्स नहीं रहे, 100 × 2, समझ आ रहा है? 100 × 2 बेटा 200 रुपए, और 4 फीट बेटा 100 × दैट इज 800 रुपए। यहां तक ठीक? तो क्या लिखेंगे? बीइंग 100 शेयर्स 4 फीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 2। यहां तक ठीक? ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? दीज शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट 7 रुपीज। कितने में बेचे ये शेयर? इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस क्या है? अब बात करो ना मेरे साथ कि नहीं दिख रहा है। इसका प्राइस क्या है? 10 रुपए है इसका प्राइस। कितने में भेजा? 7 रुपए में। इज इट क्लियर? और याद रखना कॉल्ड अप पे भी इंपॉर्टेंस है, वो बताऊंगा मैं आगे। दी शेयर्स वी आर रीइश्यूड एट 7, तो 3 रुपए है ना डिस्काउंट, 3 रुपए है ना डिस्काउंट, ठीक है। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, और आज नया पॉइंट शेयर शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इज इट क्लियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही है बस। टफ मत है, टफ मत है। अब मुझे बताओ, देखो ये शेयर्स मैंने भेजे ना, देखो 100 × 7 7 रुपए में, 10 रुपए का शेयर था तो डिस्काउंट कितना है? 3 रुपए, और ये है 100 × 10। यहां पे बेटा 700 रुपए, यहां पे 300, यहां पे 1000 रुपए। इज इट क्लियर? बीइंग 4 फीटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट, रीइश्यूड एट डिस्काउंट। जरा बताओ तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या है? शेयर 4 फीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर 4 फीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मगर मार्क में वर्ड्स ट्रांसफर कितना करना है? 4 फीट कितना है? 800 क्रेडिट, 4 फीट कितना है? 300, 800 − 300 पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? इससे पहले मत थी ये प्रॉब्लम। अब सिंपल दिस माइनस दिस करना है और हो गया आपका डिस्काउंट खत्म। बीइंग 4 फीटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ओके बेटा जी, कॉपी करें बेटा। बुक का क्वेश्चन है प्लीज। हाँ, ए लिमिटेड कंपनी 4 फीटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 10.6 पर शेयर कॉल्ड अप। हम क्या लेंगे? फेस वैल्यू की कॉल्ड अप, कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। इज इट क्लियर? तो ऊपर हम बताएंगे 6 इज आर कॉल्ड अप, इन्होंने कितना नहीं दिया है? 2 रुपए, सो 2 रुपए विल बी कॉल्स इन एरियर, हो गया। तो 6 में से 2 नहीं दिया है, दिया कितना होगा? 4, सो 4 विल बी 4 फीचर या 4 फीटेड अमाउंट। इज इट क्लियर? जरा बताओ पहले इसकी एंट्री, ये खत्म करेंगे इसकी एंट्री बेटा जी। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर 4 फीटेड अकाउंट। आप कितना अच्छा वर्ड, शेयर प्लीज बेटा जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया
टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट. लिसन माय डियर, बीइंग कितने शेयर्स, 100 शेयर्स फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टू, हो गया ये सर. अब देखिए, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद पेड ऑफ वैल्यू 100 × 6, कॉल्स इन एरिया 2 रुपए है, 100 × 2 और ये है 100 × 4. सो यहां पे 600 रुपए, यहां पे 200 रुपए और यहां पे 400 रुपए. इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन यहां तक? डन. अब मुझे बताओ, क्वेश्चन कह रहा है द फोर फीटेड शेयर्स, द फोर फीटेड वेयर सबसिक्वेंटली री इश्यूड एट 7. तो 10 का कितने में भेजा हमने? 7 रुपए में. कितने में भेजा? अब मुझे बता दीजिए, पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने 7 रुपए में भेजा, डिस्काउंट में है ना, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नहीं, ऐसे आप बता सकते हैं. आपने कितना पकड़ा बेटा? 7 रुपए पकड़ा, तो 100 × 7 डिस्काउंट कितना होगा? 3 रुपए और ये आएगा 10 रुपए. ठीक है, सो दिस इज योर 700, दिस इज योर 300 एंड दिस इज योर 1000 रुपए. इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखना बेटा, बीइंग फोर फीटेड शेयर्स reissued at discount. Now last entry beta, ये forfeit amount किसे transfer करना है? Capital reserve को. What is the entry? Share forfeiture account debit to capital reserve. लेकिन अमाउंट क्या होगा बेटा? अमाउंट है 400, अमाउंट है 300, 400 माइनस 300, 100 रुपए विल बी ट्रांसफर्ड टू, इज इट क्लियर? इसे लिखिए बेटा, इस क्वेश्चन को पेपर इंपॉर्टेंट. क्या लिखे? इस क्वेश्चन को लिखे पेपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक का है ना. अलबत्ता ए लिमिटेड की जगह वो लिख सकता है आमिर लिमिटेड. क्या लिख सकता है? अलग नाम, कश्मीर का नाम, बस बाकी अमाउंट यही रखेगा वो. ठीक है, कॉपी करें बेटा. बेटा प्लीज, ये सिर्फ डिस्काउंट में आता है, आप ज्यादातर डिस्काउंट में ही आता है ये. अगर हमने फोरफीट किया, हमने फोरफीट किए 1000 शेयर्स, कितने? 1000 शेयर्स, ख्याल रखना बेटा. और अब हम रीइश्यू, इससे पहले हम क्वेश्चन में करते थे ये सारे शेयर्स रीइश्यू करते थे, ये सारे शेयर्स क्या करते थे? रीइश्यू. अब हम रीइश्यू कर रहे हैं 700. कितने शेयर्स कर रहे हैं रीइश्यू सर? तो फिर इजी है, 700 की जर्नल एंट्री करेंगे. इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, जो कैपिटल रिजर्व को हम पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, यहां पे 100 का शेयर कंसिडर करते थे और यहां पर भी 100 का शेयर हम कंसिडर, 100 शेयर्स करते थे कंसिडर, शेयर्स बराबर होते थे. लेकिन अब फोरफीट कितने किया आपने? 1000. रीइश्यू कितने कर रहे हो आप? 700. तो यहां पे थोड़ी बहुत वर्किंग है. पहले पॉइंट समझ आया, थोड़ी बहुत वर्किंग क्या है? हमने निकालना है कि कैपिटल रिजर्व को हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे. आपकी बुक ने बहुत बड़ी वर्किंग दिखाई है, मैं इजी वर्किंग आपको दिखाऊंगा, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे. लेकिन
जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, पेड ऑफ वैल्यू इज कंसिडर्ड व्हेन इशू रेट, ये याद रखना, पेड ऑफ वैल्यू आप कंसिडर करेंगे जब आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे। हो गया एक। ओके, पहले आप थोड़ा बहुत ये कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं, रूल खत्म करेंगे। ये जो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है, दिस पेड ऑफ वैल्यू इज कंसिडर्ड व्हेन इशू रेट डिस्काउंट। देखो, अगर हमने पेड अप लिया था 7 रुपए, क्या लिया था पेड अप, क्या है पेड अप है 7। यहां यहां देखना बेटा, फेस वैल्यू है 10। अगर हमने रीइशू किया, ये रीइशू किया 6 पे, यहां देखिए रीइशू क्या किया, तो डिस्काउंट हम मानेंगे 1 रुपए। इज इट क्लियर? इस रीइशू में इस बात का ख्याल रखना बस, किसमें पार्शल जब होगा ना, क्या होगा पार्शल मतलब फोरफिट किए, 1000 शेयर रीइशू किए, कितने हमने 700, है ना, पार्शल रीइशू। तो फेस वैल्यू क्या है 10, पेड अप क्या है मतलब उन शेयर्स का जो हमने फोरफिट किया, तो पेड अप था ना 7 ही। अब हमने रीइशू किस पे किया, 6 पे, तो 7 - 6 = 1 रुपए इज योर डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन में ही देखते हैं आप। देखो क्वेश्चन बेटा, यहां पे देखिए बेटा, कुणाल लिमिटेड, तो जाहिर सी बात है बुक के क्वेश्चन होंगे। कुणाल लिमिटेड फोर फीट 20 शेयर्स ऑफ 100 each 60 कॉल्ड अप इशूड एट पार टू मुरारी ऑन विच ही हैज पेड 20 per share। पहले ये खत्म कर लेते हैं, कॉल्ड अप है 60, इसने कितना नहीं दिया 20, तो 40 क्या होगा, 4 feet, 40 क्या होगा, और ये क्या होगा बेटा, कॉल्स इन। इज इट क्लियर? बताओ पहले इसकी एंट्री, फिर ये किस्सा हम देखते हैं, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। वेरी गुड, शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, दिस इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू और कॉल्ड अप अमाउंट। व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट बेटा, 60, कितने शेयर्स है, 20 × 60 20 × 20 और 20 × 40। इज इट क्लियर? ये 1200 रुपए, ये 400 रुपए और ये 800 रुपए, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ क्या लिखेंगे, बीइंग 20 शेयर्स फोर फीटेड, बीइंग 20 शेयर्स फोर फीटेड, समझ आया, फिर से समझना, बीइंग 20 शेयर्स फोर फीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 20। ओके, नाउ माय डियर, यहां पे चेक करें, यहां पे चेक करें, आउट ऑफ दीज, इन 20 शेयर्स में से जो हमने फोरफिट किए, कितने शेयर्स किए रीइशू, 15 शेयर हमने रीइशू किए टू सतीश, जिन पे 60 पेड अप था, कितने पे, 45 पे, हमने इन शेयर्स पे पकड़ा था ना 60 पेड अप था ना, 60 था ना पेड अप, मतलब कॉल किया था 60 का, हमने कितने में भेजे, 45, तो कॉल्ड अप कहा था मैंने, कंसिडर कीजिए, तो 15 रुपए आया डिस्काउंट, क्या आया, ख्याल रखना 55 डिस्काउंट नहीं आया, डिस्काउंट कितना आया 15 रुपए। इज इट क्लियर? व्हेन शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट व्हाट इज द जर्नल एंट्री, एंट्री क्या होती है जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू बी फोरफीटेड शेयर्स बीइंग 15
reissued at a discount. Reissued at discount. Now, बेटा कितने shares हमने reissue किए? 20 किए reissue किए 15. 15 किए reissue. ख्याल रखना बेटा जी. Please. देखिए कितने में 45 में. So 15 into 15 सर ये 15 कहां से लाया? मैंने कहा ना 60 कॉल्ड अप कंसर करना. कंसर क्या करना? कॉल्ड अप. इज इट क्लियर? क्या कंसर करना? कॉल्ड अप. कॉल्ड अप क्या था? 60. कितने में भेजा? 45 में. इज इट क्लियर? तो डिस्काउंट कितना आया? ₹15. ठीक है 45. और ये जो आएगा 45 और 15 कितना हो गया? ₹60. इज इट क्लियर? जरा बताए 15 into 45 6 7. पूरी बात किया करो ना. 15 into 15 225 शेयर कैपिटल दैट इज 900. सर ये तो इजी है. इजी है ना? लेकिन एंड वाला पॉइंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. उसके लिए वर्किंग करनी है. ओके एंड की जनरल एंट्री क्या है? शेयर forfeited account debit share forfeit account debit to capital reserve. बेटा जी देखो आप क्या करते हैं? आप करते ये माइनस ये और लिखते यहां पे. नहीं यहां पे ऐसे नहीं करना. यहां पे ऐसा नहीं करना है. आपने रीइशू कितने किए? 15. आपने देखना है 15 पे मैंने कितना गेन किया, 15 पे कितना नुकसान हुआ. समझ आया? सिंपल. देखो फोर फीट कितना है? 40. 15 पे फोर फीट 15 into 40 15 पे नुकसान वो ये है. दिस माइनस दिस यू विल गेट योर आंसर. समझ आ रहा है? तो यहां पे वर्किंग लिखनी है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. रीइशू कितने किए? 15. ठीक है फोरफीटेड अमाउंट ऑफ 15 शेयर्स क्रेडिटेड. 15 शेयरों पे मुझे कितना गेन हुआ? 15 शेयरों पे मुझे कितना गेन हुआ? सो 15 फोर फीट कितना किया था आपने? फोर फीट कितना किया था आपने? 40. 15 into 40 बेटा वो हुआ ₹600. इज इट क्लियर? टफ लगा? 800 कंसिडर नहीं करना है, 600 कंसिडर करना है. क्योंकि 15 पे हमने सिर्फ कितना कमाया? ₹600. और फोर फीटेड अमाउंट ऑफ 15 शेयर्स डेबिटेड. जरा बताओ बेटा 15 शेयर्स पे कितना डेबिट हुआ? वो 225. दिस माइनस दिस 5. सो 375 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो यहां पे लिखेंगे, फिर से समझाऊंगा. समझ कहां पे आएगा? यहां से बात करता हूं. सुने हमने रीइशू किए 15, रीइशू किए. फिर से समझ से मैंने कहा था ना इसमें एक वर्किंग है जो आपने जरूरी करनी. ये जो ये फोर फीट अमाउंट है ये है 20 शेयर्स का. ये जो ये डिस्काउंट है ये है 15 शेयर्स का. तो डिफरेंस इज देयर. तो हमने क्या किया? 15 शेयर्स है ना जो हमने रीइशू किए हैं, हम उसी पे देखेंगे गेन कितना आया. वही गेन हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व को. पॉइंट समझ लें, 15 शेयर्स पे कितना गेन आया? 15 शेयर्स पे 4 फीट ही है ना गेन. सो 15 into 40 ₹600. सो 15 पे डिस्काउंट कितना है? वो यहां है आपका 225. दिस माइनस दिस कितना आया? 375. वही हमने ट्रांसफर किया किससे? कैपिटल रिजर्व को. इज इट क्लियर? बीइंग
फोर फीटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए अगर कोई कहेगा ना आपको कंपनी अकाउंट्स इजी है, इजी समझना उसने आधा ही पढ़ा है, समझ आ रहा है, कॉपी करें। नर्मदा लिमिटेड फोर फीटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट 7। बेटा जी नजर रखिए बेटा, गुप्ता कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इसने कितना नहीं दिया 2 रुपए, सो 2 रुपए विल बी कॉल्स इन एरियर। तो 4 फीट कितना हुआ होगा, 4 फीट बेटा 5 रुपए, टोटल है 7, 7 में से 2 इन्होंने नहीं दिया तो वो क्या बना कॉल्स इन एरियर, तो कितना दिया होगा 5, वो क्या बना बेटा 4 फीट, वो क्या बना बेटा 4 फीट। इज इट क्लियर? जरा बताइए इसकी पहले जर्नल एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कॉल्स इन एरिया टू शेयर फोर फीटेड अकाउंट बीइंग हंड्रेड शेयर्स forfeited due to non-payment of 2, okay, what is your called up amount beta 7 rupees, share capital is debited with a called up amount 100 into 7, कॉल्स इन एरियर है आपका 2 रुपए, 100 into 2, 4 फीट है आपका 5 रुपए, 100 into 5, ये 700 रुपए, ये 200 रुपए और ये 500 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है, फिर से समझ, आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वेयर रीइश्यूड, कितने शेयर हमने रीइश्यू किए, सुनो कितने शेयर हमने रीइश्यू किए 80, किस प्राइस पे 6.5 पे, कॉल्ड अप क्या है 7 रुपए, रीइश्यू कितना किया किस प्राइस पे 6.5 पे, तो 6.5 पे अगर हमने रीइश्यू किया तो डिस्काउंट होगा ना आपका 0.50, डिस्काउंट कितना होगा आपका पॉइंट, समझ आया? तो व्हाट वी कंसीडर जब पार्शियल रीइश्यू होता है, कॉल्ड अप अमाउंट क्या करते हैं एड डिस्काउंट में, क्या कंसीडर करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। चले अब हमने रीइश्यू किया 80 शेयर्स, जब हम रीइश्यू करेंगे ना 80 शेयर्स एट डिस्काउंट, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताए कितने में भेजा बेटा 6.5 रुपए में, तो 6.5 रुपए पकड़ूंगा मैं 80 into 6.50 80 into 0.5, 7 रुपए टोटल है, बताए बेटा ये कितना हुआ, समझ आया? ठीक है इतना ही आया, तो क्या लिखेंगे बीइंग 80 forfeited शेयर्स reissued at discount। बेटा जी
ख्याल रखना इस बात का, ये जो शेयर कैपिटल है ना, इसमें हम कॉल्ड अप अमाउंट फुल लेते हैं, ठीक है, फिर यहां पे उसे डिवाइड करते हैं। अब सर ये तो इजी है, तीसरी एंट्री क्या होती है? शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पॉइंट समझना, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग फोर फीटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब सर देयर इज डिफरेंस ऑफ शेयर्स, 4 feet की है 100 shares और ये जो 4 feet है डेबिट, ये है 80 shares का, 100 और 80। अब यहां पे थोड़ी वर्किंग है ना, जो अभी कहा था अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बताइए बेटा, सुनिए, सबसे पहले लिखेंगे फोरफीटेड अमाउंट, रीशू कितने किए हमने बेटा, बेटा रीशू कितने किए, 80, तो 80 पे देखना है, फोरफीटेड अमाउंट ऑन 80 शेयर्स, 80 शेयर्स पे फोरफीट कितना किया, फोरफीट क्या है 5, सो 80 × 5 दैट इज 400। इज इट क्लियर? फोरफीटेड अमाउंट ऑन 80 शेयर्स जो क्रेडिट हुआ है। सर आपने तो किया है ना ऊपर 500, किया है ना 500, ये कितने शेयर्स का है, 100 शेयर्स का, हम कितने शेयर्स का निकालते हैं, 80, सो 80 × 5, इज इट क्लियर, 80 × 5 400, 100 × 5 होता था 500, क्योंकि ये 100 है और हमने भेजे कितने हैं बेटा 80। तो अब forfeited amount on 80 shares debited, आप 80 × 0.5 भी कर सकते हैं, लेकिन आपने किया है ना डायरेक्ट 80 × 0.5, कितना बेटा 40 rupees, तो कितना आया बेटा 360। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? टफ मत लगा, इजी है, कॉपी करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप घर में जरूर कीजिएगा, ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। इसने 4 feet किए 300 shares, फेस वैल्यू 10 rupees है, फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 rupees और 4 rupees, कॉल्ड अप फुल्ली है, दैट इज 10 rupees है फेस वैल्यू इसका, और इन्होंने कितना नहीं दिया है, 3 और 4 हुआ 7 rupees, सो 7 rupees इज योर कॉल्स इन एरियर। इज इट क्लियर? ओके, तो 4 feet कितना किया होगा इन्होंने, 3 rupees, तो इसकी जर्नल एंट्री यू नो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर forfeited अकाउंट। अब कह रहा है ये 300 shares थे, अब कह रहा है ये कि 250 shares हमने फिर से रीइश्यू किए, सो पार्शियल रीइश्यू टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000, कितने का हम बेच रहे हैं वो नहीं पता, हाँ अलबत्ता ये जो शेयर्स है ना ये हम बेच रहे हैं टोटल शेयर्स हम बेच रहे हैं 2000 का। सर अगर टोटल शेयर्स हम बेच रहे हैं 2000 का, कितने शेयर्स बेच रहे हैं, 2000 डिवाइड बाय टोटल 250 shares बेच रहे हैं, 2000 डिवाइड बाय 250, तो 8 rupees पर शेयर। सर मतलब ये जो 250 shares है ना, एक शेयर मैंने बेचा 8 rupees में, कितने में, 8 rupees में, है ना, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल शेयर, वी विल गेट एक शेयर कितने में पड़ा है, तो 250 शेयर हमने रीइश्यू किए हैं एट द रेट ऑफ 8 per share, ठीक है, 250 × 8 वी विल गेट 2000। इज इट क्लियर? इजी है जो हम करते हैं ना, इसकी एंट्री
इसकी एंट्री ये है, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, पकड़ा कितना हमने, 2000 रुपए। इज इट क्लियर? अभी कहा था ना कॉल्ड अप या फेस अप वैल्यू कितना है, वो है 250 × 10। इज इट क्लियर? 250 × 10 दैट इज 2500। इन अदर वर्ड्स डिस्काउंट इज योर 500। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 250 × 8 कितना हुआ, 250 × 2 कितना हुआ, ये आपकी जर्नल एंट्री है। फिर आप चेक करना कि ऊपर आपने 300 शेयर्स का देखना है, नीचे है 250 शेयर्स, 300 और 250 में नीचे मुझे बताना कि कैपिटल रिजर्व को आपने ट्रांसफर कितना किया। बुक का क्वेश्चन है, बुक की इलस्ट्रेशन है, बहुत इजी है। ये पॉइंट मैंने दिखाना था कि एक शेयर इन्होंने कितने में बेचा, एक शेयर इन्होंने बेचा 8 रुपए में। कितने में बेचा, 8 रुपए में। 10 का शेयर इन्होंने बेचा 8 रुपए में, सो देयर इज डिस्काउंट। इज इट क्लियर? तो प्रैक्टिस कीजिए बेटा, आपसे वर्ड है, अगर आप ये वीडियोस फॉलो करोगे ना, यू विल स्कोर गुड टोटल। इज इट क्लियर? तो रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।